आज पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के पावन सानिध्य में संस्थान के सदस्यों तथा साधकों ने हवन यज्ञ में भाग लिया। पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस अवसर पर पंच महायज्ञ, 16 संस्कार एवं चतुर्वर्णाश्रम की भारतीय संस्कृति से जुड़ने का आह्वान किया। होली, दिवाली, श्रावणी, संक्रांति, ये जो चार महापर्व हैं हमारी भारतीय वैदिक सनातन परंपरा में, यज्ञों के पर्व हैं और निरंतर हम जीवन में ऊर्ध्व उत्क्रमण करते हैं उसके लिए पर्व हैं। तो इसमें जो जो फसलें पूरी होती हैं उनकी भी विशेष हव्य हम अर्पित करते हैं यज्ञाग्नि में, और यज्ञाग्नि को अर्पित करके ही फिर हम हव्य का भक्षण करते हैं। यज्ञ शिष्टा स्नेह संतः मुच्यन्ते सर्वखिल विषय भिज्यते तो अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। बिना यज्ञ के, बिना हवन के, यजन के हम भोजन नहीं करते थे, यही हमारी पंच महायज्ञों की पावनी परंपरा रही और उसका अभी तक हम निर्वहन कर रहे हैं। हवन के अंत में पूज्य स्वामी जी महाराज ने सभी को पतंजलि की स्वदेशी क्रांति से जुड़कर अपनी सेविंग व सुरक्षा तथा देश की सेवा में योगदान देकर देश को सांस्कृतिक व आर्थिक आजादी दिलाने का प्रण दिलाया। 2017 में ही 15 अगस्त को एक मुहिम चलाई कि लोग स्वदेशी की ओथ लें, प्लेज लें, और उसमें प्लेज में, ओथ में, शपथ में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने जो है ऑनलाइन आकर के शपथ ली कि हम स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करेंगे। ये तो एक मात्र 15 दिन के एक कैंपियन का प्रभाव हमने देखा था। तो एक बार उन सबका भी हम अभिनंदन करते हैं कि हमारे छोटे से आह्वान पर करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं। ये है एक बहुत बड़ी ताकत। गिलोय घनवटी ये गोलियां हैं, ये दो दो गोली आप ले सकते हैं, क्योंकि हर समय आपको गिलोय का काढ़ा नहीं मिल सकता, ताज़ा ना मिले, काढ़ा भी ना बना पाएँ, तो आप ये गोलियां ज़रूर खा लें, दो दो गोलियां। और मैं एक बात और भी जोड़ना चाहता हूँ, जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम हुआ करता था, साल में किसी को दो बार, किसी को चार बार तक सर्दी जुकाम और कफ कोल्ड के साथ साथ में उसको फीवर भी होता था, उन लोगों को अब एक बार भी सर्दी जुकाम और फीवर आदि नहीं होता। ये मेरा अनुभव है। हमारे भी जो पूरे देश में नेशनली हेड करते हैं नॉन फूड को, अखिल अग्रवाल जी और जो है धीनर ब्रह्म भट्ट जी, मैंने दोनों को देखा, एक को तो थोड़ा नाक से पानी गिरता रहता था कभी कभी, एक जो है 7 दिन काम किया तो फिर एक दिन आराम करना पड़ता था, इम्यूनिटी वीक थी। दोनों ने करीब 2 महीने प्रयोग किया है और 2 महीने में उनकी सर्दी जुकाम कफ कोल्ड और इम्यूनिटी वो सब इतनी अच्छी हो गई है, सर्दी गायब हो गई, इम्यूनिटी इतनी बढ़ गई कि अब बीमार नहीं पड़ते। बहुत ज़्यादा खांसी होने पर ये अद्भुत चीज़ है दिन में, और किसी किसी को तो रात को भी नींद नहीं आती, बस दिन में इसके खदिरादिवटी, यद्यपि शास्त्रीय औषधि है, बहुत सी और भी फार्मेसियाँ इसको बनाती हैं, खदिरादिवटी अद्भुत है। मैंने काफ़ी कथाकारों को देखा, मुझे कृष्णचंद ठाकुर जी ने तो बताया कि जी मैं तो जब व्यासपीठ पर वहाँ पर बैठा रहता हूँ तो ये मेरी व्यासपीठ के ऊपर ये खदिरादी वटी भी होती है, ऐसे मैं ये 2 गोली मुंह में डाल लेता हूँ और 2 घंटे की पूरी कथा हो जाती है, कभी एक बार भी खांसी नहीं आती है। जिनको बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो रात को, मैंने कहा नींद भी नहीं आती, आप रात को सोते समय इसको मुँह में डाल लेते और तो रात को आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी, रात को फिर खांसी नहीं आएगी। खैर, बहुत चीज़ें हैं बताने को, तो मैं एक एक करके आपका परिचय कराता हूँ। क्रैकिल क्रीम के बारे में मैंने आपको अभी बताया। अब पैरों में तो ये क्रैक हील क्रीम लगा ली, किसी किसी के हाथ ही फटने लगते हैं और पूरे पैर फटने लगते हैं, इसके लिए ये बोरोसेफ अद्भुत है। माने इसकी आप फीलिंग देखेंगे लगाने के बाद में, पहले ही दिन से, माने मैं ये कोई, कुछ लोग कहते हैं ना आयुर्वेद की चीज़ों से बहुत देर में लाभ होता है, पहले ही दिन से इसमें सारा जो इसका फार्मुलेशन है, मंजीठ से लेकर के हल्दी से लेकर के एलोवेरा और जो ज़रूरी है आपकी स्किन के
प्रोटेक्शन के लिए ये बोरोसेफ अद्भुत औषधि है। आप आपके हाथ पर कितने ही फटते हैं, किसी किसी के हाथों पैरों में तो सीस लगने लगती है, माने जैसे अंदर से जल रहे हो और पूरा एक करंट सा लगता रहता है। अलग अलग भाषा में उसको अलग अलग नाम से लोग बोल देते हैं। तो जिनके हाथों में चीज सी चलती है, ये ऐसे लिया और हाथों से लेकर के पैरों तक आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं, और पैरों में भी जिनको बहुत चीज लगती है तो पैरों में भी ऐसे लगा सकते हैं। पैरों में लगा करके, हाथों में लगा करके बस इसको ऐसे लगा लीजिए, अंदर चली जाती है पूरी। और ये सारी औषधियाँ इस तरह से असर करती हैं कि हाथों पैरों में चीस लगती है, हाथ पैर एकदम बर्फ जैसे हो जाते हैं, किसी किसी के तो हालत इतनी ख़राब हो जाती है अभी अंदर चला जाए। इसकी फीलिंग भी इतनी अच्छी है, माने जड़ी बूटियों की खुशबू इसके अंदर इतनी अच्छी है। कुछ लोग तो आर्टिफिशियल जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में बोला जाता है ये लगाने वाली चीज़ें फ्रेगनेंस है और खाने वाली चीज़ें फ्लेवर से बिकती है, लेकिन इसकी जो ये जो इसका फ्रेगनेंस है ये जड़ी बूटियों का है। और मैंने कहा जिनके ये पैर बहुत ज़्यादा ऐसे ख़राब हो जाते हैं, पैर सूज जाते हैं, फिर यहाँ माने बुरी हालत हो जाती है लोगों के, यहाँ बीच में से कट जाते हैं, ऊपर से कट जाते हैं पैर, किसी किसी को तो जैसे अभी यदि किसी को ठंड लगेगी तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप हमारे पैरों को देख सकते हैं, हम कभी कोई जो है अंदर से कोई इनर भी इस्तेमाल नहीं करते, आप हमारे कोई रोंगटे भी खड़े हुए नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन किसी किसी के चमड़ी इतनी खुरदरी होती है, उसमें इस तरह से कट्स पड़ जाते हैं, पूरे बुरी हालत हो जाती है, बहुत रूखी त्वचा होती है जिनकी, तो उनके लिए भी ऐसे बस लिया और अपनी रूखी त्वचा पर और इसको इस तरह से लेकर के और आप इस तरह से लगा लें तो रूखी त्वचा का भी समाधान हो जाएगा आपका। किसी के पैर, किसी के हाथ, किसी का तो पूरा शरीर फटता है, तो उसके लिए अलग अलग तरह की चीज़ें आप ट्राई करते रहते हैं। तो आपको ये मैंने जो आप और इसकी फीलिंग इतनी अच्छी है, आप मैंने लगाते ही आप ये महसूस करेंगे कि आपको फ़र्क हो रहा है, और पहले ही दिन से पूरे शरीर का फटना, उनको बहुत ठंड लगना, चीस लगना, और एंटीसेप्टिक क्रीम के तौर पर बोरोसेफ से बेहतर कुछ भी नहीं। मैं क्योंकि ये पतंजलि ने बनाई है इसलिए इसकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, इसके गुण इतने ज़्यादा हैं, इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं। और यद्यपि हमने इसका ऐड बहुत ज़्यादा किया नहीं है, इस बार हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के तौर पर अखबारों में ज़रूर एक दो बार विज्ञापन दिया है कि लोगों को पता लगे। मैं कोई इसकी बोरोलिन से या बोरो प्लस से किसी से तुलना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है, देखो फायदा होता है जड़ी बूटियों से, और जड़ी बूटियों के साथ फ़ायदा होता है एक फार्मूलेशन से, उसका फार्मूलेशन कैसा है, और फिर जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उनका एक्सपीरियंस क्या है। हम किसी बड़े स्टार से, किसी हीरो से, किसी हीरोइन से, क्योंकि कम से कम 5-10 करोड़ रुपए से लेकर के 15-15, 20-20 करोड़ रुपए एक एक विज्ञापन के ब्रांड को इंडोर्स करने के लिए हीरो हीरोइन से ले लेते हैं। हमने कहा कि भाई हम ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, हाँ सूचना के तौर पर, क्योंकि 125 करोड़ का हिंदुस्तान है, उनको पता लगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और वो उनका इस्तेमाल करके वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी में जो भी दुख हैं, तकलीफें हैं, कष्ट हैं, उनसे निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए इंफॉर्मेशनल एड, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बेस्ड एड, लोगों के जो एक्सपीरियंस हैं, चाहे वो बोरोसेफ को लेकर के, मैं और भी आपका परिचय कराता हूं। जैसे ये बाम है, बाम हमारा लगभग आधे रेट पर मिलता है, लगभग आधे रेट पे। अब दूसरी भी एक बड़ी बाम की कंपनी है वो, क्योंकि देसी कंपनी है इसलिए उसके बारे में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन देसी लोगों में भी चाहे बाम हो, चाहे च्यवनप्राश हो, चाहे हनी हो, इतनी लूट मचाई अपनी देसी कंपनियों ने भी, वो ठीक नहीं। अब जैसे बाम है, छोटे पैक में करीब डबल का अंतर है, उन्हें दुगना मूल्य पर वो बेचते, और ये बड़े पैक में भी जो है 40 और 60 का अंतर है। ये
ऐसे सूंघने मात्र से सर्दी दूर होती है। तो सर्दी, जुकाम, कफ, एलर्जी, किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो नाक से लेकर के गले तक हम इसकी मसाज करा देते हैं। ऐसे लिया और इस तरह से लेकर के यहाँ नाक पे लगाया, यहाँ गले में लगा दिया, तो कितनी भयंकर सर्दी, कफ, कोल्ड, जुकाम हो, एकदम ठीक। सिर दर्द एकदम ठीक। माने इसमें तो इंस्टेंट रिलीफ है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई वक्त लगेगा। किसी को घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, कहीं पर भी दर्द है, सिर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, सब दर्दों में एक तरह से ये रामबाण है। हमने इसका एड कैंपेन भी इस बार चलाया, क्योंकि बाम के नाम पर बहुत एड कैंपेन चला करते थे, तो हमने कहा कि चलो लोगों को पता तो लगे कि पतंजलि का जो बाम है वो ज़बरदस्त असरकारी है। और जो है ये हम करीब करीब पिछले 30-35 सालों से हमने अपने गुरु से ये नुस्खा लिया था कि बाम का अलग अलग सबका फार्मूलेशन है, अलग अलग बाम बनते रहे हैं देश के अंदर, लेकिन ये अद्भुत लाभ है, अद्भुत इसका। तो आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपको खुद पता लगेगा। और जो है ये हमने लिप बाम, ये भी अद्भुत है। होठ फटने के लिए हमने एक तो घरेलू उपाय आपको बताया कि सरसों का तेल या तिल का तेल। आप लोगों की जानकारी के लिए, हाँ, स्किन के ऊपर सबसे अच्छा होता है तिल के तेल से मसाज करें। अभी तिल का तो तेल भी हमने लॉन्च किया पतंजलि से, जो कि 100% प्योर है। नहीं तो तिल के तेल में सबसे ज़्यादा मिलावट होती है। सबसे ज़्यादा मिलावट होने वाले तेलों में एक तो तिल का तेल, दूसरा सरसों का तेल। बाकी भी तेलों में मिलावट करते हैं, जो भी महंगे तेल होते हैं उसमें पाम ऑयल मिला देते हैं, क्योंकि पाम ऑयल 40 रुपये के आसपास होता है, बाकी तेल बहुत महंगे होते हैं। जैसे सरसों का तेल लगभग 125 रुपये का होता है, ऐसे ही मूँगफली का तेल, वो भी महंगा होता है, सोयाबीन का भी तेल अपेक्षाकृत महंगा होता है, तो लोग इसमें पाम ऑयल मिला देते हैं। लेकिन दो तेल जिसमें सबसे ज़्यादा मिलावट करते हैं लोग, सरसों का तेल और तिल का तेल। तो सरसों या तिल के तेल से आप मसाज कर सकते हैं, सरसों का तिल का तेल आप नाभि में लगा सकते हैं, और वैसे गाय का घी भी नाभि में लगा सकते हैं, उससे होठ नहीं फटते हैं। लेकिन होठ फटने वाली बीमारी, और कईयों के तो हालात ये हो जाते हैं कि होठों से भी खून आने लगता है। तो होठों से भी खून आता है तो ठीक है, ये लगाने में बहुत ईजी है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये, तो इसमें जब ऐसे आप करते हैं तो इसमें से अपने आप ही अंदर से निकल आता है थोड़ा सा, तो निकलेगा ऐसे, देखो ये निकल आया ये, तो ये इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा करके निकलता है। आपको जानकारी के लिए मैंने ये थोड़ा सा ज़्यादा निकाल के दिखाया। तो ऐसे जब इसको दबाएंगे तो ऐसे निकलेगा, और ऐसे थोड़ा सा दबाया और होठों के ऊपर ऐसे लगा दिया। ये इसका सेप भी ऐसा है कि होठों पर एकदम फिट हो जाता है, तो ऐसे इसको लगा लिया। इसमें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर भी है, तो आपको लगाने में भी अच्छा फील होता है। और किसी किसी को तो इतनी ज़्यादा होठ फटते हैं कि जो हमने घरेलू उपाय बताया कि आप सरसों का तेल, तिल का तेल या गाय का घी नाभि में लगा लें, पतंजलि गाय का शुद्ध घी होता है, उसके बावजूद उनको दिन में 5-10 बार ये लगाना पड़ता है, ये हालात रहती है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो है स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर के साथ में आपको हमने लिप बाम बताया, बहुत ज़बरदस्त इसका इफ़ेक्ट है। और मैं आपको एक ख़ास बातें कहना चाहता हूँ कि जिनको भी तकलीफ है आप उनको भी बताइए, क्योंकि करोड़ों लोगों को भ्रमित किया हुआ विदेशी कंपनियों ने, करीब 50 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था पर कब्जा किया हुआ है रॉयल्टी के नाम पर, और बाहर से कुछ ऐसे जो है सीक्रेट फार्मूलेशन कि ऐसा बोलते हैं कि हमारा ये सीक्रेट फार्मूलेशन है, उसके नाम पर रॉयल्टी, सीक्रेट फार्मूलेशन और प्रॉफिट के नाम पर हर साल एक एक कंपनी हजारों करोड़ और कुल मिलाकर के लाखों करोड़ रुपए, करीब करीब 10 से 20 लाख करोड़ रुपए ये विदेशी कंपनी हर साल देश का लूट करके लेके जाती है। 10 से 20 लाख करोड़ रुपए, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी लूट इन विदेशी कंपनियों के द्वारा हो रही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, देश को इन विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी से बचाइए और देश को आर्थिक आज़ादी दिलाइए। और आर्थिक के साथ साथ मैंने एक शब्द का और प्रयोग किया, आर्थिक और सांस्कृतिक आज़ादी, क्योंकि ये अपने उत्पादों का प्रचार करते करते अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपना अध्यात्म, अपने मूल्यों पर भी प्रहार करते हैं। अभी तो इनके विज्ञापन भी थोड़े बहुत चेंज हुए हैं, लेकिन अभी पूरी चीज नहीं हुए। अगला, पीड़ांतक ऑइंटमेंट, बाम तो लाभ करता ही है, जिनको खास करके जोड़ों में दर्द है
अर्थराइटिस है उसके लिए ये रामबाण है, अद्भुत। मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि इसका प्रयोग मैंने करीब पिछले 30 सालों से कराया। पहले हम पीड़ान तक तेल बनाते थे, वो अभी भी बनाते हैं, वो भी इतना इफेक्टिव है, लेकिन जो न्यू जनरेशन है ना वो तेल आदि लगाने में थोड़ा सा कंफर्ट फील नहीं करती, तो हमने ये पीड़ान तक ऑइंटमेंट बना दिया है। ये इस तरह से आप जहाँ जैसे किसी को घुटनों में दर्द है तो घुटने में ऐसे इसको लगाया और इसकी ऐसे मसाज कर दे। हमने देखा है कि इसका इस तरह से इस्तेमाल करने में थोड़ा सा इसमें जड़ी बूटियों के साथ साथ लहसुन की थोड़ी गंध आती है, तो जो लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते, वैसे लहसुन अपने आप में बहुत बड़ी औषधि है, उनको थोड़ा सा शुरू में तो अजीब सा लगेगा, लेकिन ऐसे इसको लगा करके 5-10 मिनट मालिश कर लें। मैं पीड़ान तक तेल और ऑइंटमेंट के बारे में बताना आपको चाहता हूँ। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री जिनके लिए हमने राष्ट्र ऋषि की उपाधि दी कि वो जहाँ खड़े होते हैं वहाँ भारत और भारतीयता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है, करोड़ों लोगों के, करोड़ों भारतीयों के आशा विश्वास हैं और वो योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, अपनी परंपराओं को बहुत अधिक प्राथमिकता देते हैं, उसको बल देते हैं। देखो ये अंदर चला जाता है ऐसे। और हमने देखा, मैं कह रहा था प्रधानमंत्री ने जिस पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया वहाँ पर हमारे लगभग 300 साइंटिस्ट हैं और वहाँ हमने चूहे और खरगोश से लेकर के और जो है ड्रग डिस्कवरी का जो पूरा एक साइंटिफिक साइकिल है, उसका साइंटिफिक मैकेनिज्म है, उसका पूरा का पूरा हमने एक तंत्र बनाया। और हमने देखा पहले हमने चूहों और खरगोशों को अर्थराइटिस किया, ये प्रक्रिया होती है, और उसके बाद जो है हमने उनको पीड़ांतक तेल और ऑइंटमेंट का प्रयोग किया। 100% इसका रिजल्ट है। हम इसका यद्यपि विज्ञापन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, अभी इस साल थोड़ा था हमने विज्ञापन करना शुरू किया। तो जिनको ये खास करके घुटनों में दर्द और जोड़ों में दर्द होता है वो पीड़ांतक तेल या पीड़ांतक ऑइंटमेंट, इन दोनों का इस्तेमाल करें, क्योंकि सर्दियों में दर्द और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हालात ये हो जाती है कि उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, और उसके लिए ये अद्भुत है पीड़ांतक ऑइंटमेंट और पीड़ांतक तेल। दो विशेष प्रोडक्ट हैं, एक तो एंटी रिंकल और एक ये ब्यूटी क्रीम, इनके बारे में भी थोड़ा सा आपका परिचय कराता हूँ। पहले मैंने चिरौंजी, बादाम, पपीता, केला, फिर जोजवा और एलोवेरा, इन सब का प्रयोग करके मैंने लोगों को कहा कि आप इनका लेप बना करके लगाइए और उससे आपके चेहरे के जो रिंकल्स हैं, चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। अब कुछ लोग तो जो जागरूक हैं उन्होंने बादाम से लेकर के चिरौंजी से लेकर के हल्दी और पपीता का पल्प, केले का पल्प और एलोवेरा, इन सब का मिक्स करके लगाया और उनके रिंकल्स ख़त्म हो गए, लेकिन सब लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। ये है एंटी रिंकल क्रीम और इसका भी इस्तेमाल हमने बहुत बहनों पर किया और हमने देखा लगभग 1-2-3 महीने के लगातार प्रयोग से उनके रिंकल्स गायब हो गए। तो ये एकदम जो है, क्योंकि इसका रंग कोई सफ़ेद नहीं मिलेगा, क्योंकि सफ़ेद में फिर वो जड़ी बूटियाँ तो होंगी ही नहीं, तो कुछ थोड़ा इसमें बेस मटेरियल, बाकी सब जड़ी बूटियाँ इसके अंदर, और पूरी जड़ी बूटियों का जो फार्मूलेशन है वो इसमें लिखा हुआ है। आप कोई भी इसका इंग्रेडिएंट पूरे पढ़ सकते हैं और ये 100% इसके अंदर है, हम इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते क्वालिटी को लेकर के। तो इसका इस्तेमाल खास करके यहाँ रिंकल्स आ जाते हैं आँखों के नीचे, और जो है इसको भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को माथे पर भी बहुत रिंकल होते हैं तो ये रिंकल्स के लिए, और किसी किसी को तो चेहरे के अलावा हाथों पर भी समस्या रहती है, तो आप
कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो आपको एक प्रयोग करने के विधा से इसको बता रहा हूँ, सब जानते हैं वैसे प्रयोग करना। अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल मैंने आपको बताया और उसमें उनके फ्रेग्रेंस आपस में मिल रहे हैं। खास करके पीड़ांतक तेल का जो फ्रेग्रेंस है वो बड़ा तीखा है। तो उसके बाद मैंने ये एंटी रिंकल क्रीम को भी आपको किस तरह से अप्लाई करना है थोड़ा सा बताया। जिनके हाथों में रिंकल्स हैं वो हाथों में भी इसको लगा सकते हैं। चेहरे के रिंकल्स के लिए तो अद्भुत है ही है। और आप एक महीने से लेकर के 2-3 महीने में इसके पूरे रिजल्ट देख सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप खुद इसके इस्तेमाल करें और औरों को भी बताएं कि किस तरह से ये हमारी जो आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ हैं इनकी एक अद्भुत महिमा है। ब्यूटी क्रीम के नाम पर मैं 3 बातें बताना चाहता हूं। एक, कुछ लोगों ने एक भ्रम फैलाया कि हम आपको गोरा कर देंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हम आपको गोरा करेंगे, लेकिन हम आपको इतना कहते हैं कि हम आपके कुदरत ने जो सौंदर्य दिया था उसको बरकरार रखेंगे। कुदरत ने जो आपको सौंदर्य दिया हम उसको बरकरार रखेंगे, ये हमने कहा और ये हमने करके दिखाया। और हजारों लाखों करोड़ों माँ बहन बेटियों ने पतंजलि की इस ब्यूटी क्रीम को अपनाया है। बाजार में जितने भी फेयर एंड लवली से लेकर के और विदेशी कंपनियां जो भी ब्यूटी क्रीम्स के नाम पर जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं आप देखेंगे वो लगभग लगभग वो सफ़ेद होते हैं। ये सफ़ेद नहीं, इसका कलर ये मिलेगा आपको जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस तरह का ये कलर होता है। ये एकदम नेचुरल कलर है, इसमें जड़ी बूटियाँ हैं। तो जड़ी बूटियाँ जब डालेंगे तो इसका ये कलर तो स्वाभाविक रूप से आएगा ही आएगा। आप इसके पूरे इन्ग्रीडियंट्स लिखे हुए हैं, एलोवेरा से लेकर के वीट जर्म ऑयल से लेकर के जो भी आपकी स्किन के लिए उपयोगी तत्व हैं उन सब का इसमें मिश्रण है। और इसको आप अपने फेस से लेकर के और इस तरह से लगा करके और पूरी इसकी मसाज करें, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसको इस तरह से लगाया और इसको इस तरह से पूरे नाक से लेकर के आँखों के नीचे से लेकर के और ऐसे पूरे चेहरे पर इसकी मसाज करें। ऐसे 5 मिनट तक इसकी मसाज कीजिए और उसके बाद में आप देखेंगे कि आपके चेहरे की रंगत अच्छी होने लगेगी। जैसे आपकी माँ ने आपको पैदा किया था ऐसे ये प्रकृति माँ आपका आपको वरदान है। प्रकृति माँ का प्रोटेक्शन है। पोल्यूशन से लेकर के अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस हमारे सामने होते हैं और उससे आपको प्रोटेक्ट करती है ये पतंजलि ब्यूटी क्रीम। तो ये ब्यूटी क्रीम अद्भुत है और फेयर एंड लवली वालों ने इस देश के लोगों का हजारों नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कुल मिलाकर के लाखों करोड़ रुपए लूटा है। मैं लूटना इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरी दुनिया में मेरा चैलेंज है यूनिलीवर वाले फेयर एंड लवली बेचने वाले एक माँ बहन बेटी दिखा दें, कोई एक फीमेल या मेल दिखा दें जिसको इन्होंने काले से गोरा कर दिया। हम कहते हैं आपके प्राकृतिक सौंदर्य को हम बरकरार रखते हैं और जैसे आप माँ की कोख से पैदा हुए थे वैसा सौंदर्य आप दोबारा पा सकते हैं। योगाभ्यास करें, आहार पर नियंत्रण करें, अपने इमोशंस पर भी नियंत्रण करें, क्योंकि इमोशनल इम्बैलेंस का सीधा इफेक्ट हमारे फेस पर आता है। और फिर आप इन प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें।